भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला 1 अगस्त को त्रिनिदाद के ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। यह एक डिसाइडर मैच था। इससे पहले सीरीज 1-1 से बराबर चल रही थी। दोनों टीमों को किसी भी हाल में तीसरा वनडे जीतना था। ऐसे में टीम इंडिया एक बेहतर टीम बनकर सामने आई और वेस्ट इंडीज को आसानी के साथ हरा दिया और 2-1 से सीरीज भी अपने नाम कर ली। भारत पूरे 200 रन के बड़े मार्जिन से तीसरा एक दिवसीय मैच जीत गया। वेस्ट इंडीज के कप्तान शे होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। टीम इंडिया के लिए इस मुकाबले में युवा ईशान किशन और शुभमन गिल ने पारी का आगाज किया। दोनों ने मिलकर भारत को गजब की शुरुआत दिलाई। पहले विकेट के लिए ईशान और गिल ने मिलकर कुल 143 रन जोड़े। फिर 77 के स्कोर पर किशन आउट हो गए। गिल भी इसके बाद 85 रन पर वापसी पवेलियन लौट गए थे। ईशान किशन और शुभमन गिल के बाद फिर सीनियर्स ने भी पार्टी ज्वाइन की। अनुभवी विकेटकीपर संजू सैमसन, कप्तान हार्दिक पांड्या और मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव ने विस्फोटक बल्लेबाजी की। संजू ने 41 गेंद में 2 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 51 रन बनाए। हार्दिक ने भी 70 रन की तेज पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 5 छक्के और 4 चौके देखने को मिले थे। लोअर मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने उतरे सूर्य कुमार ने भी 2 चौके और 2 छक्के लगाकर 35 रन बनाए। ऐसे में टीम इंडिया ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 351 रन बनाए और करेबियाई टीम के सामने 352 रन का बड़ा टारगेट रखा। वेस्ट इंडीज की तरफ से 2 विकेट रोमियो शेफर्ड ने लिए, अल्दारी जोसेफ, गुडाकेश मोटी और यानिक को भी 1-1 सफलता मिली। भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार बल्लेबाजी करने के बाद गेंदबाजी में भी अपना रंग दिखाया। मुकेश कुमार से लेकर जयदेव उनादकट सबने काफी प्रभावित किया। वेस्ट इंडीज टीम इंडिया के सामने पूरे 50 ओवर भी नहीं टिक पाई और 35.3 ओवर में ही 151 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इसके चलते भारत 200 रन से मैच जीत गया और 2-1 से सीरीज भी अपने नाम करने में सफल रहा। वेस्ट इंडीज के लिए सर्वाधिक 32 रन एलेक अथानसे ने बनाए। भारत के लिए शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। मुकेश कुमार को भी 3 सफलता मिली। कुलदीप यादव ने 2, सोनादकत ने भी 1 विकेट झटका। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्पोर्ट्स और खेल की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए NBT स्पोर्ट्स के साथ।